पंचायत प्रतिनिधियों में बहुत ही इंतजार प्रधानमंत्री को सुनने को लेकर उनमें बेताबी देखी जा रही है थोड़ा सा और हम जानकारी देने की कोशिश करते हैं कि देश में तकरीबन पाँच लाख पाँच हजार गाँव हैं जहां दो लाख अड़तालीस हजार दो सौ इक्यासी ग्राम पंचायत सत्ता के विकेंद्रीकरण को मूर्त रूप प्रदान कर रहे हैं पंचायती राज मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार आज देश में जिला स्तर पर छः प्रखंड स्तर पर छह और ग्राम पंचायत स्तर पर लगभग ढाई लाख पंचायती राज संस्थाएं हैं जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को पूरा कर रही हैं। पंचायतों की भूमिका को बढ़ाने के लिए देश भर में इस वक्त विशेष प्रयास हो रहे हैं केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें भी सत्ता के विकेंद्रीकरण को लेकर गंभीर है अब जमीनी स्तर पर योजनाएं बननी शुरू हुई है जिससे आम लोगों की भागीदारी बढ़ी है इतना ही नहीं अब योजनाएं भी स्थानीय आवश्यकताओं और जरूरत के अनुसार बन रही है झारखंड सरकार ने इस साल बजट से पहले योजना बनाओ अभियान की शुरुआत की थी जिसकी देश भर में सराहना हुई जब 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाने की बात आई तो प्रधानमंत्री ने इसी बात को ध्यान में रखकर झारखंड को चुना आज ही के दिन साल उन्नीस में तिहत्तरवा संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ था इस वक्त हम देख सकते हैं की पंचायती राज मंत्री पर हैं और वो संबोधित कर रहे हैं मंत्रालय में मेरे साथी मेरे सहयोगी श्री सुदर्शन भगत जी झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री श्री नीलकंठ जी मुंडा और झारखंड के पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर सरयू राय जी और कृषि मंत्री झारखंड श्री रणधीर सिंह जी जमशेदपुर से माननीय सांसद विद्युतवरण जी सिंहभूम से माननीय सांसद लक्ष्मण गिलुआ जी हमारे पंचायती राज मंत्रालय के सचिव माननीय श्री विजयनंद जी झारखंड की मुख्य सचिव और इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के ऊपर उप, उपस्थित हमारे सभी राज्यों से आए हुए जनप्रतिनिधि और जिनको आज माननीय प्रधानमंत्री जी से वो अवार्ड मिलेंगे उनकी प्रशंसा के लिए जो उन्होंने अपने अपने कार्य क्षेत्र में किए हैं वो सभी और माननीय सभी वो हमारे भाई बहन जो यहाँ इस सभा में बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित हुए मैं राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस की सभी को बधाई देता हूँ आज वह महत्वपूर्ण अवसर है जब करोड़ों लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए अपनी ग्राम सभाओं में इकट्ठे हुए हैं आज 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस ग्राम उदय से भारत उदय अभियान जो हमने 14 अप्रैल को शुरू किया था उसका समापन है पहले हम राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस दिल्ली में मनाया करते थे पंचायतों का नीति निर्धारण खेती बाड़ी का नीति निर्धारण दिल्ली में बैठ के करते थे माननीय प्रधानमंत्री ने पहली बार एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि पंचायत और ग्राम सभाएं और इस देश से कृषि से जुड़ी हुई 70 प्रतिशत इस देश की आबादी का नीति निर्धारण भी उनकी सलाह से उनके मशवरे से लिया जाएगा और इसीलिए आज दो लाख अट्ठावन हज़ार ग्राम सभाओं को माननीय प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे जमशेदपुर से ग्राम उदय भारत अभियान डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में सामाजिक समरसता कार्यक्रम के रूप में मनाया गया और इसी के साथ ग्राम किसान सभाएं भी की गई इन ग्राम सभाओं में लोगों ने इकट्ठा होकर अपने गांव के सामाजिक और आर्थिक विकास पर विचार विमर्श किया और ग्राम पंचायत विकास योजनाओं पर चर्चा की ग्राम सभा एक ऐसा मंच है जहां स्थानीय मुद्दों पर चर्चा की जाती है और समस्याओं के हल निकाले जाते हैं यह मात्र औपचारिकता नहीं बल्कि इसको निभाने का प्रण लिया है जहाँ पहले के पहले से लिए गए फैसलों पर सबका सहमत करा लिया जाए बल्कि यह स्थानीय नियोजन को सक्रिय व जीवंत बनाने का एक उदाहरण है बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें जो संविधान दिया महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज्य की जो भावना हमें दी ये सब अभी भी पूरा होना बाकी है आज़ादी के इतने सालों के बाद जिस प्रकार से हमारे गांव के जीवन में परिवर्तन आना चाहिए था जो बदलाव आना चाहिए था बदले ही बदले हुए युग के साथ ग्रामीण जीवन को भी आगे ले जाने की आवश्यकता थी लेकिन बहुत अफसोस से कहना पड़ता है क्या भी, अभी भी बहुत कुछ करना बाकी भारत का आर्थिक विकास कुछ बड़े शहरों में या कुछ बड़े उद्योग धंधों से नहीं हो सकता भारत का विकास अगर हमें सच्चे अर्थ में करना है तो लंबे समय तक विकास को ग्रामीण विकास को स्थायित्व देने के लिए और उसको मजबूत करने से होगा तब जो करके उस पर विश्वास की इमारत मजबूत और स्थायी हो सकती है और इसके लिए बार आपने देखा होगा कि बजट पूरी तरह भारत के ग्रामों को समर्पित है किसान को को समर्पित है, और एक लंबे समय तक देश के ग्रामीण अर्थव्यवस्था नई ऊर्जा मिले नई गति मिले नई ताकत मिले उस बल पर दिया गया है और मैं साफ देख रहा हूं जो भावना महात्मा गांधी की अभिव्यक्ति में आती थी जो बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान से प्रकट हुई उसको चरित्रार्थ करने के लिए टुकड़ों में काम करने से काम नहीं चल चलेगा हमें जितने भी विकास के स्रोत हैं सबको गांव की ओर मोड़ना होगा हमारी 2015 से 2020 में ग्राम पंचायतों को दो लाख करोड़ रुपया सीधा पंचायतों को जाएगा हम ये चाहते हैं कि इतनी ही राशि मनरेगा के तहत भी केंद्र से गांव के विकास के लिए जाएगी इसके अलावा केंद्र की अन्य योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा व पंचायतों की अपनी आय से प्रचुर मात्रा में धन राशि गांव विकास के लिए उपलब्ध होगी जरूरत है तो ग्राम सभाओं को के द्वारा अपनी जरूरत वार्षिक व पंचवर्षीय योजना के माध्यम से हम बनाए एक और मुद्दा जिस पर ग्राम उदय से भारत उदय अभियान के दौरान कई ग्राम सभाओं में चर्चा हुई है वह ग्रामीण विकास में महिलाओं की भूमिका अनुभव बताता है कि जहां महिलाएं सक्रिय रूप से शामिल हुई हैं स्थानीय नियोजन और स्थानीय विकास तीव्र गति से आगे बढ़ा मैं सभी महिलाओं विशेष रूप से जो स्वयं सहायता समूहों और अन्य समूहों में है निवेदन करता हूं कि आप ये सुनिश्चित करें कि ग्राम सभा में सभी लोग आए आपके परिवार और बच्चों की जरूरतों पर चर्चा हो उनकी जरूरतों को पंचायत को पंचायतों में सुना जाए और उसका समाधान निकाला जाए हमारे देश का किसान कुछ नहीं मांग रहा किसान को अगर पानी मिल जाए तो मिट्टी से सोना पैदा कर सकता है बाकी सब चीजें तो वो कर सकता है उसके पास वो हुनर है उसके पास वो सामर्थ्य है उसके पास वो मेहनत है वो कभी पीछे मुड़ के देखता नहीं और किसान अपनी जेब भरे तब संतुष्ट हो ऐसा नहीं वह स्वभाव से ही सामने वाले का पेट भरने के लिए हमेशा उतारू रहता है ये उसका चरित्र है और जिसे दूसरे को पेट भरने में संतोष मिलता है वो परिश्रम में कभी भी पीछे नहीं हटता हमारे देश का किसान क्या चाहता है कुछ नहीं चाहता है तो बस खेत के लिए पानी खाद व बीज किसान खुद मेहनत कर देश का पेट भरे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बलिष्ठ हस्तक्षेप से हमारे खेतों के लिए उचित सिंचाई के साधन मुहैया हों वो एक महत्वपा महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसाई कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत हुई और उसके तहत मोर क्रॉप पर ड्रॉप की भावना से किफायती जल सिंचन उपलब्ध कराया गया मैं ये बात कहे बगैर नहीं रह सकता कि जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह जब देश आजाद हुआ उसके 19 साल के बाद यह कहा था कि हमने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया है लेकिन 50 साल के राष्ट्रीयकरण के बाद भी बैंकों के खातों में इन पचास हजार जिसकी शाखाएं हैं उन बैंकों के खाते में तीन करोड़ और चालीस लाख खाते थे अगर यह ठीक है बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं वो बैंकों का सरकारीकरण तो हुआ था लेकिन राष्ट्रीयकरण अगर किसी ने किया है बैंकों का किसी ने लोकार्पण किया है तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है जो एक साल से कम की अवधि में उन तीन करोड़ चालीस लाख खातों से इक्कीस करोड़ के खाते हमारे पहुंचा दिए हैं यह है लोकार्पण यह है राष्ट्रीयकरण वो राष्ट्रीयकरण नहीं है जो सिर्फ कुछ चंद लोगों तक महदूद रहे हमारी सरकार ने 2015 और 16 में यह भी निश्चय किया कि इस देश के सभी ऐसे गांव जिनको जरूरत है सड़क से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जी ने वित्त मंत्री जी को कहा कि मैं ये चाहता हूं कि ये 2022 तक नहीं सारे गांव जुड़ने चाहिए बल्कि तीन साल पहले 2019 तक जुड़ने चाहिए और इन्होंने जो इस देश के गांव से वादा किया हम भी आपको यह कह रहे हैं कि अगले तीन साल में इस देश की एक लाख चालीस हजार किलोमीटर सड़कें जो 2022 तक बननी थी वो 2019 तक हम पूरा करके देंगे हमने जो काम का बीड़ा उठाया उसको पूरा किया है हमने जो काम का बीड़ा उठाया उसको आपके सामने प्रस्तुत किया है और आज प्रधानमंत्री जी जो देश को संबोधन कर रहे हैं ये इस देश की सत्तर प्रतिशत जनसंख्या उनको सुनेगी और जो उनका पैगाम होगा जो आदर्श वो हमारी ग्राम सभाओं के सामने रखेंगे मैं ये दावे से कह सकता हूं कि इस देश के अंदर एक नई क्रांति की शुरुआत हुई है कोई छोटी बात नहीं है ये कहना कि आने वाले चंद सालों में इस देश के गांव में रहने वाले लोगों की आमदनी दूनी हो जाएगी डबल हो जाएगी मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं लेकिन मेरे एक साथी ने बताया जो अर्थशास्त्री है उसने कहा कि जिस दिन आपका यह सपना प्रधानमंत्री का सपना साकार होगा साढ़े तीन प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद की दर एकदम बढ़ जाएगी और 20 लाख करोड़ रुपया जो आज शहरों में बसता है वो रुपया गांव के गरीब से गरीब आदमी पे किसान के पास पहुंचेगा और गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और जब गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी मैं इसलिए आप सभी साथियों से ये कहना चाहता हूँ कि इस मौके पर आप हमारा साथ देंगे हम ग्राम विकास के लिए जो योजनाएं लेके आ रहे हैं उनके साथ साथ हमें ये यकीन है कि आने वाले समय में पंचायतों में नेतृत्व तो स्थानीय विकास और सेवाओं का प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है राज्य पंचायतों को किस हद तक अधिकार सौंपते हैं उन राज्यों में जो पंचायतों को अधिक शक्तियां प्रदान करते हैं वहां बेहतर शासन और लोगों की आर्थिक भागीदारी अधिक भागीदारी को भी मिलेगी आज हम ऐसे राज्यों को सम्मानित करेंगे जिन्होंने पंचायतों को सबसे अधिक शक्तियां सौंपी हैं आज पहली बार ऐसे राज्यों को भी पुरस्कृत करेंगे जिन्होंने कानून को कानून को अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायतों का विस्तार पेशा उन्नीस के कानून के अनुकूल बनाने के लिए अधिक प्रयास किए हैं पेशा पांच पांचवी अधिसूची के क्षेत्रों में लागू है और यह भूमि प्रा, प्राकृतिक संसाधनों लघु खनिज और शराब व अन्य नियंत्रण आदि पर ग्राम सभाओं को अधिकार प्रदान करती है आइए इन राज्यों का सम्मान करके हम ग्राम सभा का लोगों का सम्मान करें ग्राम उदय से भारत उदय अभियान का उद्देश्य लोगों को सशक्त बनाना अपने गांव का विकास करना और अपने देश को आगे ले जाना है आइए आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर हम अपनी पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए संकल्प लें ताकि एकजुट होकर हम सब देश के विकास में भागीदार बने अंत में मैं, मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ इन्हीं के शब्द थे जो मैं दोहराना चाहता हूं और वो ये थे कि गांव से संबंधित योजनाएं अब दिल्ली के दफ्तरों में बैठ के नहीं बनेंगी बल्कि गांव की जनता के सामने जनसभाओं में और गांव के अंदर बैठ के बनेंगी इसी पैगाम को लेके हमें उम्मीद है कि आने वाले युग में एक युग परिवर्तन होगा और देश गांव जब आर्थिक तौर पे मजबूत होगा तो देश भी आर्थिक तौर पे मजबूत होगा इन शब्दों के साथ आपका फिर जो सारे देश से आए हुए पंचायत के प्रतिनिधि हैं आपका बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद धन्यवाद माननीय और अब माननीय मुख्यमंत्री झारखंड आदरणीय श्री रघुवर दास जी से मेरा अनुरोध है कि कृपया सभा को संबोधित करें विकास के प्रेरणा पुरुष जनप्रिय लोकप्रिय और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत सरकार के सभी सम्माननीय मंत्रीगण झारखंड के राज्यपाल महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी विभिन्न राज्यों से आए हमारे सभी मंत्रीगण सांसदगण विधायकगण एवं देश भर से आए सभी प्रतिनिधि बहनों एवं भाइयों स्टेडियम में बैठे सभी देवियों सज्जनों और देश भर में जमशेदपुर से माननीय प्रधानमंत्री जी के ओजस्वी भाषण को सुनने के लिए टेलीविजन रेडियो में सुन रहे सभी भारतवासी सर्वप्रथम मैं झारखंड की धरती पर जहां पंचायतों की पारंपरिक व्यवस्था मानकी मुंडा राजी पहाड़ माझी और डोकलो सोहार की अद्भुत परंपरा कायम है वहां देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और आगंतुक मेहमानों का हार्दिक जोहार और हार्दिक अभिनंदन ये हमारा सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रतिनिधि देश के प्रधानमंत्री जी के साथ देश के अंतिम पंचायत के प्रतिनिधियों के बीच संवाद का एक मौका देख रहे हैं गांधी जी ने स्वराज और सुशासन का सपना देखा था ग्राम उदय से भारत उदय भी माननीय प्रधानमंत्री जी की उसी परिकल्पना को विस्तार और मजबूती देने वाला कार्यक्रम है मैं मानता हूँ कि स्वशासन जनता के सुखमय जीवन का प्राण है और इसीलिए पूरे देश में ग्राम स्तर पर वास्तविक शासन के लिए वातावरण का निर्माण हो इसके लिए आज का यह सम्मेलन मील का पत्थर साबित होगा पंचायतें हमेशा ही लोक शक्ति के साथ साथ सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और विकास का एक आधार रही है इस देश में पंच परमेश्वर की अवधारणा शुरू से ही रही है जो सामाजिक समरसता के बीच ही नहीं न्यायिक स्वच्छता की एक इकाई के रूप में भी काम करती है आज इस मंच से मैं झारखंड की सवा तीन करोड़ जनता की ओर से केंद्र सरकार और भारत सरकार के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने चौदहवें वित्त आयोगों से राज्यों को भरपूर राशि आवंटित की है झारखंड को भी चार वर्षों के अंदर छः हजार करोड़ रुपये आवंटित होंगे और इस वर्ष का छः सौ तिरपन करोड़ रुपये झारखंड को आवंटित होने जा रही है इससे निश्चित रूप से पंचायती राज संस्थाओं का अधिकार बढ़ेगा और आर्थिक रूप से हमारी पंचायत आत्मनिर्भर बन सकेगी माननीय प्रधानमंत्री जी 2013 में जब झार जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने पंचायती राज और ग्राम विकास पर एक राष्ट्रीय अधिवेशन में उन्होंने ग्राम पंचायत को अपनी योजनाएं बनाने की वकालत की थी और इसीलिए मैं देश के पंचायत मुखिया प्रधानमंत्री जी को प्रेरणा पुरुष मानता हूं और इसी प्रेरणा से प्रेरित होकर झारखंड सरकार ने भी राज्य के सभी गांव में योजना बनाओ अभियान चलाया जिसमें मैं स्वयं हमारे सभी मंत्रीगण हमारे सांसद विधायकगण अधिकारीगण और निर्वाचित प्रतिनिधि पंचायत प्रतिनिधियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बताना चाहता हूँ झारखंड में 4,402 ग्राम पंचायत है। जिसमें दो पंचायत समिति एवं 24 जिला परिषद है इसमें 16 जिलों के 135 प्रखंड में दो ग्राम पंचायतें पेशा क्षेत्रों में है हमने पंचायत चुनाव में 50 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण भी दी थी मैं पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए पंचायतों के शक्तियों को सौंपी जा रही है 2016 तक हमारी सरकार सभी पंचायत भवन का निर्माण लक्ष्य निर्धारित किया है साथ ही साथ 2017 तक सभी पंचायत इंटरनेट से जुड़ जाए इसका भी हमने लक्ष्य निर्धारित किया है जो 2015-16 के दरमियान योजना बनाओ अभियान के तहत जो गांव के द्वारा चयनित है 10 लाख से अधिक योजनाओं का चयन किया गया जिसमें 1.8 लाख योजनाएं जल संचय और जल संरक्षण के लिए चौदहवें वित्तीय अनुशंसा के अनुसार ग्राम पंचायत को मिलने वाली राशि से बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए 6 लाख से अधिक योजनाओं का चयन किया गया जिसमें पचास हजार पुराने सामुदायिक तालाबों का जीर्णोद्धार भी है राज्य सरकार की ओर से भी राज्य सरकार के बजट से इस लाख इस बार एक लाख डोबा और दो हजार नए तालाब का निर्माण की शुरुआत हो चुकी है और पंद्रह जून तक एक लाख डोबा और दो हजार तालाब की खुदाई और पचास हजार तालाब का जिन्नोदार मनेगा के द्वारा ये हमारी सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया ताकि 2016 का बरसात का पानी भाके ना जाए खेत का पानी खेत में गांव का पानी गांव में इस परिकल्पना के साथ हमारी सरकार काम कर रही है ग्राम सभा के जो भी प्रस्ताव है उनके आधार पर हमने विकास और आधारभूत संरचनाओं को पूरा करने का संकल्प लिया है माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं इस मंच से आश्वस्त करना चाहता हूँ केंद्र और राज्य सरकार की जो भी योजनाएं उसमें तालमेल बैठाकर अंतिम व्यक्ति तक योजनाएं पहुंचे ये हमारी सरकार की प्रयास है जैसा कि इस योजना का उद्देश्य है ग्राम उदय से भारत उदय हम लोगों के उत्थान के लिए कृषि संकल्पित है गाँव के उत्थान के लिए कृषि संकल्पित है ताकि भारत के उत्थान में भागीदारी हो सके मेरा एक इस पंचायत सम्मेलन में सुझाव होगा कि ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के बीच वही संबंध होनी चाहिए जो विधायिका और सरकार के बीच होता है ग्राम पंचायत को ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री की योजना भारत उदय के लिए एक मिसाल काम करेगा जिस तरह स्मार्ट सिटी के साथ स्मार्ट विलेज की अवधारणा बनी है उसी तरह ग्राम उदय से भारत उदय का सपना सफल होगा गांव का अगर विकास होगा तो पलायन भी रुकेगी गांव की अगर अर्थव्यवस्था ठीक होगी तो देश की भी अर्थव्यवस्था ठीक होगी इसलिए अंत में मैं आप सबों से अपील करना चाहूंगा कि आइए आज का इस संकल्प को प्रधानमंत्री के सामने हम दोहराए मैं कहूंगा ग्राम उदय से तो आप कहेंगे भारत उदय से ग्राम उदय से ग्राम उदय से ग्राम उदय से इन शब्दों के साथ जय झारखंड भारत माता की जय बहुत-बहुत धन्यवाद माननी देवियों सज्जनों झारखंड सरकार द्वारा किसान एकल खिड़की केंद्रों की स्थापना विभिन्न कृषि तथा किसान कल्याण की योजनाओं से संबंधित जानकारी और सलाह देने और योजना के अंतर्गत सुविधा पूर्वक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से प्रत्येक प्रखंड में की जा रही है आइए पहले किसान एकल खिड़की केंद्र पर आधारित एक लघु फिल्म का रसा स्वादन करें झारखंड में कृषि कार्य और भी आसान अब है झारखंड में कृषि सिंगल विंडो इस सिंगल विंडो से आप कृषि से संबंधित हर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जैसे मृदा स्वास्थ्य जांच, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसान क्रेडिट कार्ड समय पर खाद बीज आदि की विशेष जानकारी जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हजारीबाग में कृषि अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास करने आए तो उन्होंने हरित क्रांति की आगाज की झारखंड की इस धरती में जो प्रयास आरंभ हुआ है वो उत्तम स्तर कक्षा के कृषि वैज्ञानिकों को तैयार करेगा कृषि क्षेत्र के निष्ठातों को तैयार करेगा और हमारी कृषि को आधुनिक बनाने की दिशा में झारखंड की धरती पर से एक नया युग प्रारंभ होगा इसी एक विश्वास के साथ मैं आप सबको खास करके मेरे देश के किसान भाइयों को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और प्रधानमंत्री के सपनों को आगे ले जाने का काम किया मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने जब उन्होंने सदन में कृषि सिंगल विंडो की स्थापना की घोषणा कर दी और इसके साथ ही अलग से कृषि बजट सदन में पेश कराया कृषि सिंगल विंडो की स्थापना कृषक को पटवन के लिए अनुमानित दर पर डीजल की आपूर्ति गांव का पानी गांव में खेत का पानी खेत में रघुवर सरकार से हम लोग को बहुत फायदा हुआ है अब मेरे पास अपना पंपिंग सेट है और बीज भी आराम से उपलब्ध हो जाता है और मिट्टी जो खेत का है उसका भी इस साल जो है मृदा स्वास्थ्य जाँच करवाए कार्ड भी मिला किसानों की बेहतर दशा दिशा के लिए झारखंड को फसल उत्पादन में आगे ले जाने के लिए अब है हमारे पास इस वित्तीय वर्ष में 100 प्रखंडों में कृषि सिंगल विंडो तथा शेष प्रखंडों में अगले वित्तीय वर्ष में पूरा किया जाएगा आइए इसका लाभ लें और झारखंड को एक नई पहचान दें और अब माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरा विनम्र आग्रह है कि किसान एकल खिड़की केंद्रों का शुभारंभ शिलालेख का अनावरण कर करने की कृपा प्रदान करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय अपने कर कमलों से इस शिलालेख का अनावरण करेंगे देवियों और सज्जनों प्रत्येक किसान को सहूलियत के साथ सेवाएं उपलब्ध कराने के लक्ष्य की और किसान एकल खिड़की दूरगामी योजना योगदान प्रदान करेंगे किसान एकल खिड़की इन केंद्रों की स्थापना विभिन्न किसान और कृषि कल्याण की योजनाओं से संबंधित जानकारी के लिए सभी प्रखंडों में उपलब्ध होगी धन्यवाद माननीय और अब माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरा विनम्र आग्रह है कि आज के इस अवसर पर पंचायती राज मंत्रालय के नए अधिदेश, मैंडेट का अपने करकमलों से विमोचन करने की कृपा करें देवी और सजनू, भारत सरकार ने वित्त आयु सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है इन सिफारिशों के द्वारा लोगों की अनुभूत आवश्यकताओं के आधार पर उन्हें मूलभूत सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायतों को महत्वपूर्ण संसाधन अंतरित किए गए हैं इस संदर्भ में पक्ष समर्थन कैपेसिटी बिल्डिंग क्षमता निर्माण व्यावसायिक और तकनीकी सहायता प्रदान करने और राज्य और संघ क्षेत्र के बीच में क्रॉस लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने अपने जनादेश को नए सिरे से परिभाषित किया है। इस पंचायती राज मंत्रालय के नए अधिदेश का विमोचन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा और अब माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि अपने से इंडेक्स रिपोर्ट रिपोर्ट सूचकांक का तैयार करने का उत्तरदायित्व पंचायती राज मंत्रालय ने टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस को सौंपा था भारत में स्थानीय लोकतंत्र और अंतरण किस दिशा में जा रहा है इस विषय पर यह रिपोर्ट सत्ताईस राज्यों और पांच संघ राज्य क्षेत्रों में आठ महीने तक किए गए वृहद और बिंदुवार मूल्यांकन का परिणाम है देवियों सज्जनों, इस वर्ष अंतरण रिपोर्ट 2015-16 में पंचायतों को अंतरण का मूल्यांकन किया गया है देवियों सज्जनों प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं आज के इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरा विनम्र आग्रह है कि सर्वश्रेष्ठ राज्यों को डेवल्यूशन इंडेक्स ई पंचायत और पैसा इंडेक्स राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने की कृपा करें सबसे पहले पुरस्कार प्राप्त करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं केरल राज्य देवी और सज्जनों से पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मंच पर आमंत्रित परीत स्पेशल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट केरल राज्य को क्यूमुलेटिव डेवल्यूशन इंडेक्स में प्रथम स्थान और ई पंचायत कैटेगरी वन में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है और अब आमंत्रित है महाराष्ट्र राज्य से क्यूमुलेटिव डेवल्यूशन इंडेक्स में दूसरा स्थान प्राप्त राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने के लिए जोरदार तालियों के बीच गोपीनाथ पंकजा गोपीनाथ मुंडे मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज और श्री वी गिरिराज प्रमुख सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज महाराष्ट्र सरकार और अब आमंत्रित है कर्नाटक राज्य को क्यूमुलेटिव इंडेक्स में तीसरा स्थान और ई पंचायत कैटेगरी में प्रथम स्थान प्र, पुरस्कार प्राप्त हुआ है पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्री एच के पाटिल मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज और डॉक्टर नागाम्बिका देवी प्रमुख सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज जोरदार तालियों के बीच हम स्वागत करेंगे कर्नाटक राज्य कर्नाटक राज्य को क्यूमुलेटिव डेवल्यूशन इंडेक्स में तीसरा स्थान और ई पंचायत कैटेगरी एक में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है पूर्वोत्तर के राज्यों में क्यूमुलेटिव डेवल्यूशन इंडेक्स में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला राज्य है सिक्किम सिक्किम राज्य को इंक्रीमेंटल डेवल्यूशन इंडेक्स में दूसरा स्थान भी प्राप्त हुआ है पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मंच पर आमंत्रित हैं श्री सोनम दादुल भूटिया पार्लियामेंट सेक्रेटरी रूरल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और डॉक्टर डी आर नेपाल प्रिंसिपल सेक्रेटरी रूरल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पुरस्कारों की श्रृंखला को आम, आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित है आंध्र प्रदेश राज्य जिन्हें इंक्रीमेंटल डेवल्यूशन इंडेक्स में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मंच पर आ रहे हैं श्री चिंता कला अयन पत्रुडू माननीय मंत्री पंचायती राज रूरल वाटर सप्लाई और श्री के एस जवाहर रेड्डी प्रमुख सचिव पंचायती राज और अब उड़ीसा राज्य को मंच पर आमंत्रित करती हूँ उड़ीसा राज्य को इंक्रीमेंटल डेवल्यूशन इंडेक्स में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मंच पर आ रहे हैं श्री देवरंजन कुमार सिंह कमिश्नर एंड सेक्रेटरी पंचायती राज डिपार्टमेंट गुजरात राज्य को पेसा इंडेक्स में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री शैलेश पटेल डेप्यूटी डायरेक्टर स्टैटिस्टिक्स पंचायती राज विभाग। सज्जनों मध्य प्रदेश राज्य को भी पेसा इंडेक्स अवार्ड में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मंच पर आमंत्रित हैं श्री गोपाल भार्गव माननीय मंत्री पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास और श्री ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव अतिरिक्त सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्य प्रदेश जोरदार तालियां मध्य प्रदेश के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों की श्रृंखला में आमंत्रित है असम राज्य देवी और सज्जनों, असम राज्य को ई पंचायत कैटेगरी टू में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है मंच पर आमंत्रित हैं श्री हुसैन मंत्री पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास और श्री वी बी प्यारेलाल अतिरिक्त मुख्य सचिव असम सरकार बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री एवं अन्य गणमान्य अतिथिगण देवियों सज्जनों अब वो ऐतिहासिक क्षण जिसके लिए हम सब प्रतीक्षारत है ग्राम पंचायत की श्रेष्ठता स्थापित करने हेतु एक सशक्त संदेश देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का आयोजन जनता के बीच किया गया है आज माननीय प्रधानमंत्री जी इस मंच से देश भर की सभी ग्राम सभाओं को संबोधित करेंगे जोरदार तालियों के बीच स्वागत करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी और सुनेंगे उनके आशीर्वचन माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरा करबद्ध आग्रह है कि आज के इस अवसर पर देश की सभी ग्राम सभाओं को संबोधित करते हुए अपने आशीर्वचन देने की कृपा करें मंच पर विराजमान झारखंड की राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू झारखंड के जनप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान रघुवर दास केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी ग्रामीण विकास के लिए जी जान से जुटे हुए श्रीमान वीरेंद्र सिंह जी केंद्र में मंत्री परिषद के मेरे साथी श्रीमान निहाल चंद केंद्र में मंत्री परिषद के मेरे साथी श्रीमान सुदर्शन भगत जी झारखंड सरकार में मंत्री श्रीमान नीलकंठ सिंह मुंडा मंत्री श्रीमान सरयू राय मंत्री श्रीमान रणधीर सिंह सांसद श्रीमान विद्युत वरण जी सांसद श्रीमान लक्ष्मण गिलुआ जी सचिव पंचायती राज श्री एस एम विजयानंद जी झारखंड मुख्य सचिव श्रीमती राजवाला वर्मा जी और विशाल संख्या में पधारे हुए झारखंड के मेरे प्यारे भाइयों बहनों और देश भर की पंचायतों से आए हुए सभी पंचायतों के प्रतिनिधि और आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से है। देश की लाखों पंचायतों में बैठ करके इस कार्यक्रम में भागीदार हुए उन सभी ग्रामवासियों को आज पंचायत राज दिवस पर मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं सामान्य रूप से पंचायत राज दिवस दिल्ली में विज्ञान भवन में हुआ करता था कुछ प्रतिनिधि आते थे मान सम्मान यही परंपरा चलती थी हमने आकर के एक प्रयास किया कि देश बहुत बड़ा है दिल्ली ही देश है इस भ्रम में से बाहर आना चाहिए और इसलिए हमारी कोशिश रही है कि भारत सरकार को दिल्ली से बाहर निकाल करके हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में ले जाया जाए और इसलिए भारत से कई कार्यक्रम अब हम दिल्ली के बाहर जनता जनार्दन के बीच में ले जाने का एक निरंतर प्रयास करते हैं जब देश के किसानों के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड का प्रारंभ करना था तो हमने राजस्थान चुना था जहां पर पानी की किल्लत रहती है जहां किसान को बहुत सारा जूझना पड़ता है जब हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान प्रारंभ किया तो हमने हरियाणा की धरती से किया था क्योंकि हरियाणा देश में बालकों की तुलना में कम से कम बालिकाओं वाला राज्य था एक बहुत बड़ी चिंता का विषय था और उसे एक कार्यक्रम का परिणाम यह आया कि हरियाणा ने साल भर के भीतर भीतर जेंडर रेशियो में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया बालक और बालिका की संख्या बराबर करने की दिशा में वो तेज गति से सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं हमें जब सामान्य मानवी को सुरक्षा देने वाली जीवन बीमा योजनाओं का एक नया संस्करण सामान्य नागरिकों के लिए लाना था जिन राज्यों में अधिकतम गरीबी है उनमें से एक पश्चिम बंगाल में हमने उस कार्यक्रम का आरंभ किया था और आज मुझे खुशी है कि ग्रामोदय से भारतोदय पंचायत राज व्यवस्था गांवों में बसले वाले हिंदुस्तान की ओर भारत सरकार का और भारत का प्रतिबद्धता कमिटमेंट इस अवसर को झारखंड की भगवान बिरसा मुंडा की धरती को हमने पसंद किया है और आज इस धरती से देश के गांव वासियों से बातचीत करने का मुझे सौभाग्य मिला है महात्मा गांधी कहा करते थे कि भारत गांवों में बसा हुआ है लेकिन हम देख रहे हैं कि आजादी के इतने सालों के बाद गांव और शहर के बीच खाई बढ़ती ही चली गई जो सुविधाएं शहर में है क्या गांव उसका हकदार नहीं है क्या अगर बिजली शहर को मिलती है तो बिजली गांव के गरीब के घर तक जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए अगर शहर में बढ़िया सड़क है तो गांव के लोगों को भी आने जाने को काम आ जाए ऐसी तो सड़क मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए और इन बातों को लेकर के आज बार का आपने बजट देखा होगा पूरे देश भर में वाहवाही हो रही है कि आजादी के कई वर्षों के बाद पहली बार गांव का आदमी जी जान से कह सके कि ये मेरा बजट है मेरे लिए बजट है गांव के लिए बजट है किसान के लिए बजट है ऐसा विश्वास इस बजट से प्रस्तापित हुआ है भाइयों बहनों चौदह अप्रैल से चौबीस अप्रैल ये पंचायत राज दिवस तक ग्रामोदय से भारत उदय देश के लाखों गांवों में दस दिन का एक बड़ा अभियान चलाया गया चौदह अप्रैल को इस अभियान का प्रारंभ मैंने भारत के संविधान निर्माता श्रीमान बाबा साहब आम्बेडकर की जन्मस्थली मध्य प्रदेश के मऊ से किया था लाखों की तादाद में मध्य प्रदेश के नागरिक उस समय सम्मिलित हुए थे और 14 अप्रैल से आरंभ हुआ यह अभियान पूरे देश में अलग अलग विषयों पर फोकस करता हुआ योजनाओं का आरंभ करता हुआ नए संकल्प करता हुआ जागृति की नई ऊंचाइयों को पार करता हुआ पूरे देश में चलता रहा और यह कार्यक्रम इतना व्यापक हुआ और मैं चौधरी वीरेंद्र सिंह और उनके विभाग के सभी लोगों को मैं राज्य सरकारों को हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं कि ऐसी चमचमाती धूप में भी ऐसी गर्मी में भी सरकार के बड़े बड़े अधिकारी गांवों में गए राजनेता गांवों में गए गांवों में कार्यक्रमों की भरमार बनी रही और गांव को आगे बढ़ाने का एक माहौल गांव के भीतर पैदा हुआ और अपने बलबूते पर अपने पास जो उपलब्ध रिसोर्सेज है उन रिसोर्सेज के आधार पर गांव को आगे बढ़ाने का संकल्प आज हिंदुस्तान भर में नजर आ रहा है हम देख रहे हैं कि कुछ गांव कल्पना बाहर शहरों से भी उत्तम कभी कभी व्यवस्थाएं बनाने में सफल हुए हैं अगर गांव के पंचायत व्यवस्था में बैठे हुए प्रतिनिधि यह संकल्प करें गांव के लोगों ने पांच साल के लिए मुझ पर भरोसा किया है क्या पांच साल के अंदर मैं गांव को कुछ ऐसा देकर के जाऊं ताकि आने वाली पीढ़ियां भी याद करें कि फलाने फलाने वर्ष में फलाने पंचायत के प्रधान थे फलाने पंचायत के मेंबर थे इन्होंने हमारे गांव में ये बढ़िया काम कर करके गए हर किसी के मन में सभी जनप्रतिनिधियों के मन में यह संकल्प होना चाहिए कि मैं मेरे कार्यकाल में जिन लोगों का मैं प्रतिनिधि हूं उस क्षेत्र की भलाई में कुछ न कुछ उत्तम ऐसे काम करके जाऊंगा जो आने वाले दिनों में गांव को आगे जाने के लिए एक मजबूत नींव का काम करेंगे एक सही दिशा का काम करेंगे एक सही गति पर ले जाकर के मैं रखूंगा ये संकल्प हर किसी का होना चाहिए ये ग्रामोदय से भारतोदय यात्रा के द्वारा दुनिया के लोगों को अजूबा लगता है आज हमारे देश में इन पंचायतों में करीब करीब 30 लाख चुने हुए जनप्रतिनिधि बैठे हैं और उसमें 40 प्रतिशत महिलाएं बैठी हैं कुछ राज्यों ने झारखंड जैसे राज्यों ने 50 प्रतिशत किया है कुछ राज्यों में 33 प्रतिशत है उसके कारण औसत मैं बताता हूं करीब 40 प्रतिशत संख्या महिलाओं की है ये महिलाओं की संख्या अब काफी समय हुआ है मैं आज इस पंचायती राज औ दिवस के अवसर पर इन लाखों मेरी महिला प्रतिनिधियों से आग्रह करना चाहता हूं हाथ जोड़ करके विनती करना चाहता हूं कि मेरी माताएं बहने आपके गांव ने आप पर भरोसा रखा है और आप एक मां है आप एक महिला है क्या आप अपनी पंचायत में कुछ बातों के विषय में नेतृत्व करके परिवर्तन ला सकती हो क्या अगर 40 प्रतिशत महिलाएं पंचायत में बैठी हो कानून ने अपना काम कर दिया मतदाताओं ने मत, मत देकर के अपना काम कर दिया लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि और विशेष करके महिलाएं ये संकल्प कर सकती हैं कि जिस गांव में 40 प्रतिशत बहनें हम पंचायत में जाकर के फैसले करते हैं निर्णय में भागीदार बनते हैं क्या हम ये तय कर सकते हैं कि हम जिस गांव में बैठी हैं अब हमारे गांव में हमारी एक भी माता या बहन को बेटी को खुले में शौचालय के लिए नहीं जाना पड़ेगा हम शौचालय बना के रहेंगे भारत सरकार राज्य सरकार की शौचालय बनाने की योजना को हम खुद समय निकाल करके जाएंगे लागू करके रहेंगे और अगर मैंने कई गांव देखे हैं आध बुढ़िया मां भी संकल्प कर लें कि मैं अब गांव में किसी को खुले में शौचालय जाने के लिए मजबूर होने दें ऐसी स्थिति नहीं रहने दूंगी तो ऐसे गांवों में हर घर में शौचालय बन गए आज भी मेरी माताओं बहनों को खुले में शौच के लिए जाना पड़े इससे बड़ी शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है और इसलिए मैं विशेष लाखों की तादाद में चूरी हुई मेरी माताओं बहनों से मैं आग्रह करता हूं कि आप इस काम पर ध्यान दें मैं दूसरी बात उनसे करना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से बजट मिलता है स्कूलों में बच्चों के लिए मध्यान्ह भोजन चलता है आप जनप्रतिनिधि हैं आप चौकसी करें कि सरकार के पाई पाई का उपयोग अच्छा मध्यान्ह भोजन बन करके उन छोटे छोटे बालकों के पेट में जाता है कि नहीं जाता बालक तो भगवान का रूप होता है हमारे गांव का बालक कुपोषण से पीड़ित हो यह बात अगर मैं जनप्रतिनिधि एक महिला हूं तो मुझे कभी भी गवारा नहीं होनी चाहिए मैं इसमें बदलाव लाने के लिए एक जनप्रतिनिधि के नाते मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगी यह संकल्प मेरी उनचालीस प्रतिशत माताएं बहनें एक तिहाई गांवों में प्रधान महिलाएं हैं क्या हम ये संकल्प कर नहीं सकते ताकि हमारे गांव में हमारे गरीब से गरीब बालक भी कुपोषण के शिकार न हो और उसके लिए हम चिंता कर सके मैं मेरी इन माताओं बहनों से एक और काम के लिए अपेक्षा करना चाहता हूं हमारे गांव में हर साल गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाली पांच महिलाएं या दस महिलाएं हर वर्ष उनकी प्रसूति का समय आता होगा ये प्रसव काल के दरमियान मैं जनप्रतिनिधि के नाते अरे गांव में गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले तीन बहनों की प्रसव है या पांच बहनों की है या दस बहनों की है क्या गांव के अंदर एक जन जागृति लाकर के नौ महीने तक उस मां को अच्छा आहार मिले अच्छा पोषक खाना मिले इसके लिए गांव मिलकर के इतनी जिम्मेवारी उठा सकता है क्या मैं इसलिए नहीं कहता हूं कि सवाल बजट का है मुद्दा बजट का नहीं होता है यह जन आंदोलन जब बन जाता है तब हमारी माताएं जो प्रसव पीड़ा के कारण कभी मां मरती है कभी जन्म लेने वाला बच्चा मरता है कभी माँ और बच्चा दोनों मर जाते हैं इक्कीसवीं सदी के हिंदुस्तान में हमारे गांव की माताएं और जब एक प्रसव में जो माँ मरती है गांव में उसकी उम्र क्या होती है पच्चीस साल सत्ताईस साल की वो बेटी जो मां बनने वाली है कितने सपने संजो करके उसने शादी की होगी कितने सपने संजोए कर उस परिवार में वो बहू बन करके आई होगी और पहली ही प्रसव में अगर वो मौत के शरण हो जाती है तो वो परिवार कितना तबाह हो जाता होगा उन परिवारों की हालत क्या होती होगी जो नौजवान इस उम्र में अपनी पत्नी खो देता है उसकी मनस्थिति क्या होती होगी इतनी बड़ी दर्दनाक पीड़ा इस पीड़ा से मेरी 40 प्रतिशत माताएं बहनें अगर गांव में जनप्रतिनिधि हो और उस गांव में प्रसव के कारण मां मरे बच्ची मरे बेटा मरे बेटी मरे इस बात को हमें मिटारा है हम जागरूकता लाए कि हम आप ऐसे गरीब मां बहनों की प्रसूति है तो उनको आशा वर्कर से मिला ले उनकी देखभाल करें और नजदीक के दवाखाने में ही उसकी प्रसूति हो उसके लिए हम उसको प्रेरित करें अगर अस्पताल में उसकी प्रसूति होती है तो उसकी जान बचने की संभावना बढ़ जाती है मेरी माता बहनें आप जनप्रतिनिधि हैं, आप पंचायत में जाकर के बैठती हैं लेकिन अगर एक और इसके लिए आप कितनी पढ़ी है कितनी नहीं पढ़ी है इसका महत्व नहीं है जिस लगन के साथ आप अपने परिवार को संभालती है वही ताकत उस गांव की गरीब महिलाओं के परिवार को संभालने के लिए ताकतवर होती है उतना अनुभव काफी होता है और उसको लेकर के आप चल सकती है मैं जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह करना चाहता हूं आज वो स्थिति नहीं है पहले का जमाना था कि गांव के जो एकाध सुखी परिवार होता था वो पंचायत का प्रधान हुआ करता था कोई भी सरकारी अफसर आए गांव में कोई मेहमान आए तो उसी के घर में मीटिंग होती थी चाय पान होता था कभी भोजन होता था महीने भर में पंद्रह बीस मेहमान स्वाभाविक होते थे और आर उसकी आर्थिक स्थिति अगर ठीक रही तो लोगों का स्वागत वगैरह करता था और गांव वाले भी सोचते थे कि भाई इनके जिम्मे डाल दो लेकिन वो तब वो दिन थे जब गांवों के पास अपना कोई बजट नहीं हुआ करता था गांव को अपने तरीके से ही गुजारा करना पड़ता था बहुत कम व्यवस्थाएं साधन की तरफ से होती थी आज वक्त बदल चुका है आज तो लाखों रुपये हर साल गांव के पास आते हैं और पंचायत प्रधानों के चुनाव में भी जो इतनी स्पर्धा आई है उसका मूल कारण भी ये विपुल मात्रा में धन जो आ रहा है वो भी एक कारण है लेकिन मैं चाहता हूं इस धन का योजनाबद्ध तरीके से अगर जनप्रतिनिधि अपने पांच साल के लिए तय करके तय करें तो अपने गांव में उत्तम से उत्तम परिणाम ला सकते हैं पिछले साठ साल में जो चीजें आपके गांव में नहीं हो पाई होगी वो चीजें आप पांच साल के भीतर भीतर इतने ही धन से कर सकते हैं और इसके लिए हमारी पंचायत व्यवस्था को हमें मजबूत बनाना चाहिए नियमित रूप से पंचायत की बैठक हो और मेरा ये विश्वास है देश का भाग्य बदलने के लिए जितना महत्व दिल्ली की बड़े से बड़ी संसद का है उतना ही महत्व ये मेरे गांव की संसद का है और इसलिए ग्राम सभा को भी बल देने की आवश्यकता है आज जब ग्राम सभा होती है तो औसत कितनी संख्या आती है एक कहने को कागज पर लिखने वाली ग्राम सभा होती है अरे ग्राम सभा की डेट पहले से तय हो उस दिन ग्रामोत्सव का माहौल हो सुबह प्रभात फैली निकले बच्चे भी गांव में जागृति लाएं। छोटा मोटा उत्सव का माहौल हो और फिर सांक में ग्राम सभा हो तो आज ग्राम सभा में पांच परसेंट दस परसेंट पंद्रह परसेंट लोग आते हैं महिलाएं तो बहुत कम आती है कभी कभी तो जनप्रतिनिधि भी नहीं पहुंचते हैं क्या हम संकल्प कर सकते हैं कि हम ऐसी ग्राम सभा करेंगे जिसमें कभी भी गांव की आबादी के तीस प्रतिशत लोग एबसेंट रहें, नहीं रहेंगे ये हम संकल्प करके हम लोगों को लाने का प्रयास कर सकते हैं और देखिए ग्राम सभा में तय करिए कि यह करना है ऐसे करना है पूरा गांव आपको मदद करेगा अगर सफाई का अभियान चलाना है तो गांव उत्तम से उत्तम सफाई का उदाहरण दे सकता है आज भी कई गांव हैं जिन्होंने अपने बलबूते पर सफाई का अभियान चलाया है और गाँव में जो कूड़ा कचरा इकट्ठा होता है वो गांव के बाहर उन्होंने वर्मी कंपोज के बेड बनाते हैं गड्ढे बनाते हैं और कैचुए ला करके डालते हैं अच्छा सा खाद्य भी मिल जाता है और वो फर्टिलाइजर बेचते हैं गांव को ही किसान ले जाते हैं गांव में सफाई भी रहती है और खेत को अच्छा खाद भी मिलता है ये होता नहीं है इसलिए पैसे इसलिए होता है कि ग्राम पंचायत का प्रधान गांव के चुने हुए प्रतिनिधि गांव का शिक्षक गांव के दो चार आगेवान लोग, ये जब मिलकर के तय करते हैं बदलाव आना शुरू हो जाता है गांव सफाई के विषय में थोड़े से कदम उठाने वो आर्थिक रूप से लाभप्रद होता है ऐसा उत्तम खाद्य गांव की सफाई से निकलता है कि हमारे खेतों की हालत को सुधार सकता है मैं गांव पंचायत के मेरे प्रधान, प्रधानों से आग्रह करना चाहता हूं क्या हम इतने बड़ी मात्रा में प्रतिनिधि बैठे हैं हम चाहते होंगे कि गांव में रोड बने गांव में पंचायत का घर बने यह सब तो चाहते होंगे लेकिन क्या गांव में शिक्षक हो गांव में स्कूल हो सरकारी बजट खर्च होता हो लेकिन उसके बावजूद भी अगर मेरे गांव के बच्चे महीना दो महीना स्कूल जाकर के जाना बंद कर दे तो इसकी चिंता पंचायत के लोगों को होती है कि नहीं होती है अगर हमें चिंता नहीं होती है तो हम गांव के मुखिया नहीं है अगर आज एक बच्चा उसकी कुल स्कूल छूट जाती है इसका मतलब यह हुआ कि भविष्य में अपने गांव में हम एक ऐसा नौजवान तैयार कर रहे हैं जिसके भविष्य में अंधकार लिखा हुआ है अगर वह बच्चा स्कूल गया हर हफ्ते हमने थोड़ी जानकारी ली पूछताछ की कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता है तो गांव का प्रधान अगर उसके माँ बाप से बात कर लेता है कि देखो भाई मास्टर जी आए थे कह रहे थे कि फलाने का बेटा स्कूल नहीं आ रहा है क्या हुआ बीमार तो नहीं है इतना सा अगर गांव का प्रधान पूछ ले पंचायत का सदस्य पूछ ले तो गांव में बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए माँ बाप भी जागरूक हो जाए वो शिक्षक भी अगर उदासीन होगा उसकी अगर रुचि नहीं होगी लेकिन अगर गांव के पंचायत के लोग जागरूक है गांव जागरूक है तो वो शिक्षक भी अपनी पूरी ताकत से पढ़ाई के अंदर ध्यान देगा और आपके गांव के बच्चों की जिंदगी बदल देगा और इसलिए हम पंचायत के प्रधान के नाते हम सिर्फ रोड बना के नहीं बना बजट आया कि नहीं आया इससे सीमित रहते हुए जन सुविधा की और भी ध्यान दे हमारे यहां पल्स पोलियो का खुराक खिलाया जाता है कितने जनप्रतिनिधि हैं कि जो हफ्ते पहले से पल्स पोलियो के काम को अपने कंधे पर उठा लेते हैं और तय करते हैं कि हमारे गांव का कोई बच्चा टीकाकरण से बाकी नहीं रह जाएगा पोलियो के खुराक से बाकी नहीं रह जाएगा हम पांच साल हमारे कार्यकाल के दरमियान शत प्रतिशत टीकाकरण करवा लेते हैं पोलियो का खुराक पहुंचा देते हैं तो हमारा सौभाग्य होगा कि हमारे गांव में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा कोई भी ऐसी बच्ची नहीं होगी जिसको कभी लकवा मार जाए वो जीवन भर दिव्यांग के रूप में रहने के लिए मजबूर हो जाए और पूरा गांव जीवन भर उसके दया भाव की तरह देखता रहे हम चाहते हैं कि हमारा गांव स्वस्थ रहे तो हमारे बालक स्वस्थ होने चाहिए हमारे बालक स्वस्थ रखने हैं तो हमें जो सरकार की योजनाएं हैं एक पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि के नाते उसे परिपूर्ण करने के लिए हमें जागरूकता दिखानी होगी हमने स्वयं ने नेतृत्व करना होगा और इंद्रधनुष योजना पुराने जितने ऐसे बालक छूट गए हैं उन बालकों को अब इस हेल्थ के कवर में लाने का एक बड़ा अभियान है करोड़ों करोड़ों बालक अभी भी ऐसे हैं कि जो किसी न किसी कारण से इसका फायदा नहीं ले पाए हैं या हम फायदा नहीं पहुंचा पाए हैं मैं पंचायत में चुन करके बैठा हूं मेरे गांव में मेरा संकल्प होना चाहिए कि अब कोई भी बालक को अपंग होने की दिव्यांग होने की उसका शरीर का कोई भाग लकवा मार जाए ऐसी परिस्थिति में होने नहीं दूं, ये मेरा संकल्प होना चाहिए अगर एक के बाद एक पंचायत में चुने हुए मेरे प्रतिनिधि मेरे गांव के जीवन को बदलना तय करें, हम जानते हैं वर्षा पर हमारी खेती निर्भर है अगर गांव में किसान परेशान है तो गांव की बाकी कारोबार भी बंद हो जाते लुहार की कमाई भी बंद हो जाती है सुधार की भी कम हो जाती है मोची की भी कम हो जाती है हर किसी की तकलीफ हो जाती है पूरा कारण गांव का खराब नष्ट हो जाता है लेकिन कृषि भी क्या हम वन पर ड्रॉप मॉर क्रॉप क्या ऐसे गांव नहीं हो सकते कि जो संकल्प करें कि हमारे गांव के जितने किसान हैं उनकी जितनी भी जमीन है हजार बीघा होगी दो हजार बीघा होगी जितनी जमीन होगी हम पूरा गांव तय करते हैं कि हमारे गांव का एक भी किसान अब ऐसा नहीं होगा कि जो ड्रीप इरिगेशन और स्प्रिंकलर का उपयोग न करता हो हम पानी बचाएंगे हम आधुनिक खेती करेंगे हम सोइल हेल्थ कार्ड देंगे हम पशुपालन करवाएंगे हम शहद के लिए मधुमक्खी का काम करवाएंगे जहां मत्स्य उद्योग होता होगा वहां मछली पालन का करवाएंगे हम कोशिश करेंगे कि हमारा किसान ये जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को लाभ लेने के लिए आगे कैसे आए और आपने देखा होगा जिस गांव का प्रधान सक्रिय होता है जिस गांव के चुने हुए जनप्रतिनिधि सक्रिय होते हैं तो सरकार को भी सरकारी अधिकारियों को भी उस गांव में काम करने का जरा मजा आता है क्योंकि उनको भी अपने टारगेट पूरे करने होते हैं अपने लक्ष्यांक पूरे करने होते हैं सरकारें उनसे हिसाब मांगती हैं, इसलिए वो भी क्या करते हैं जो गांव जागरूक है अच्छा कर सकता है उन्हीं गांवों के पास जाते हैं और कहते देखो ये योजना आई है आप लागू कर दो और उसके कारण होता क्या है कि एक इलाके में जो 12-15 बहुत सक्रिय पंचायत है उनको सारे फायदे पहुंच जाते हैं और जो निष्क्रिय पंचायतें हैं वहां अफसरों को जाने का मन ही नहीं करता है सरकार को जाने का मन नहीं करता है और पैसे एक तरफ चले जाते हैं मेरे भाई बहनों स्थिति अच्छी नहीं है आप स्वयं जागरूक बनिए आप सक्रिय बनिए आप नेतृत्व कीजिए अगर आप सक्रिय बनते हैं आप नेतृत्व करते हैं तो मैं नहीं मानता हूं कि अफसरों को कहीं और जाने का मन करेगा उनको तो विश्वास होगा कि हाँ के 20 गांव मेरे जिम्मे हैं बीसों गांव इतने अच्छे हैं कि सारी योजनाएं लागू हो जाएगी उन सारी योजनाएं बीसों गांव में आ जाएगी आज पैसों की कमी नहीं है मेरे भाइयों बहनों योजनाओं की कमी नहीं है दृष्टि की कमी नहीं है आवश्यकता है कि धरती पर बैठे हुए मेरा गांव का कल्याण करने वाले पंचायत राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए मेरे पंचायत के भाई बहन इसके लिए समर्पित भाव से काम करें क्या हम संकल्प कर सकते हैं सरकार की योजनाओं के द्वारा सरकार की योजनाओं के द्वारा गांव की अपनी सफलताओं का एक हिसाब होता है लेकिन पांच साल के लिए गांव पांच कार्यक्रम ले सकता है एक साल के लिए एक कार्यक्रम जैसे अगर कोई गांव तय करे कि हम ऐसा गांव बनाएंगे जो हरित गांव होगा इस वर्ष में हम गांव में इतने पेड़ लगाएंगे और उस पेड़ को लगा करके पूरे गांव को हरा भरा कर देंगे ये संकल्प कर सकते हैं दूसरे साल कोई संकल्प करे हम ऐसा गांव बनाएंगे जहां से एक बूंद भी वर्षा का पानी हम बाहर नहीं जाने देंगे हम बूंद बूंद पानी को रोकने का प्रबंध करेंगे हम जल संचय के लिए हम पूरी तरह काम करेंगे हम ये तय कर सकते हैं कि भाई मेरा गांव हमारे गांव का एक भी किसान ऐसा नहीं रहेगा जिसका सॉइल हेल्थ कार्ड नहीं होगा हमारे गांव में ऐसा एक भी किसान नहीं होगा जिसके खेत में स्प्रिंकलर या ड्रीप इरिगेशन ना हो ऐसा मैं गांव किसान मित्र गांव बना सकता हूं क्या क्या मैं ये सोच सकता हूं कि मेरा गांव जहां पर एक भी बालक ड्रॉप आउट नहीं करेगा मैं ऐसा गांव बना सकता हूं कि जहां मेरा एक भी बालक किसी भी टीकाकरण की व्यवस्था से बाकी नहीं रह जाएगा बाहर नहीं रह जाएगा ये मैं संकल्प कर सकता हूँ क्या अगर मैं ये योजना बनाऊं कि मेरे गांव में डिजिटल इंडिया का जो मूवमेंट चलने वाला है मेरे गांव तक फाइबर का नेटवर्क आने वाला है मैं मेरे गांव में अभी से ये टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाली नौजवानों की टोली तैयार करके मेरे नगर गांव को भी ई ग्राम बनाने की दिशा में मैं काम कर सकता हूं क्या मैं कल्प संकल्प कर सकता हूं क्या कि मेरे गांव में अब एक भी बालक जन्म के कारण और जन्म के तुरंत बाद मृत्यु नहीं होगी उसकी भी मैं चिंता करूंगा मैं ये तय कर सकता हूं कि मेरा गांव ये बाल मित्र गांव होगा मेरा गांव ये बालिका मित्र गांव होगा मेरा गांव दहेज मुक्त गांव होगा ऐसे ऐसे सामाजिक संकल्प अगर हम गांव के अंदर लेने का एक माहौल बनाए हर वर्ष गांव का जन्मदिन मनाए हम तय करें कि हमारे गांव का फलाना जन्मदिन है और उस समय गांव के जितने लोग शहरों में गए हैं वो खास उस गांव में आने चाहिए पूरे दिन उत्सव चलना चाहिए गांव एक साल का संकल्प करे कि एक साल के अंदर हमें गांव को कहां ले जाना है पंचायत राज व्यवस्था एक स्ट्रक्चर है पंचायत राज व्यवस्था एक संवैधानिक व्यवस्था है लेकिन जब तक जन प्रतिनिधि और जन सामान्य जुड़ करके जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए संकल्प लेकर के जी जान से जुड़ते नहीं है परिणाम नहीं मिलता है भाइयों बहनों गांव के अर्थकारण को ताकतवर बनाना है गांव का अर्थकारण ताकतवर बनेगा तभी देश का अर्थकारण ताकतवर बनेगा जब तक गांव के गरीब की खरीद शक्ति नहीं बढ़ती देश की इकोनॉमी में बल नहीं आता है और इसलिए हमारी कोशिश है कि गांव की सामान्य मानवी की आय कैसे बढ़े गांव के सामान्य मानवी की खरीद शक्ति कैसे बढ़े और हमारे पाई पाई का उपयोग मनरेगा की योजनाएं चलती हैं, लाखों रुपया करोड़ों रुपया आते हैं अरबों खरबों रुपया जाते हैं लेकिन अगर हम तय करें कि हम गांव में मनरेगा के पैसे तो आएंगे लोगों को काम भी मिलेगा लेकिन उसमें से हम एसेट निर्माण करेंगे जल संचय की व्यवस्था करेंगे तालाब आई हुआ है तो उसको गहरा करेंगे पानी ज्यादा है उसकी व्यवस्था करेंगे पेड़ पौधे लगाने हैं तो पैसे उसमें लगाएंगे आप देखिए पैसों का सही उपयोग भी हमारे गांव के जीवन को बदल सकता है और इसलिए मेरे प्यारे पंचायत के भाइयों बहनों आज जिनको इनाम मिला है जिन्होंने कुछ अच्छा करने का प्रयास किया है उन सबको सम्मान प्राप्त करने वाले राज्यों को उन गांवों को और उन अधिकारियों या प्रतिनिधियों को हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन लेता हूं कि उन्होंने आज देश के सामने एक उत्तम कार्य की मिसाल रख करके भारत सरकार से सम्मान प्राप्त किया है लेकिन मैं आशा करूंगा कि जो उत्तम कार्य करके सम्मान प्राप्त करने वाले लोग हैं वो वहीं पर नाट के और नई चीजें सोचे और नई चीजें करे और देश और दुनिया के सामने एक उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करे उसी प्रकार से गांव के बाकी कामों के साथ हमने गांव की आर्थिक बाबतों को भी देखना होगा कुछ चौकसी की जरूरत है मैं जब सरकार में आया तो मैंने पूछा अट्ठारह हजार गांव ऐसे निकले कि जहां बिजली का खंभा भी नहीं पहुंचा बिजली का तार भी नहीं पहुंचा अगले साल आजादी के सत्तर साल हो जाएंगे अठारह हजार गांव में अगर बिजली का तार नहीं पहुंचा है तो वे अठारहवीं शताब्दी में अंधेरे में जी रहे हैं हमने बिड़ा उठाया है कि उन अट्ठारह हजार गांवों में बिजली पहुंचानी है एक हजार दिन में मैंने काम करने का तय किया है मैं बराबर पीछे लगाऊ भारत सरकार पीछे लगी है राज्य सरकारों को दौड़ा रहे हैं काम हो रहा है लेकिन कभी कभार खबर आ जाती है कि जाहिर हो जाता है फलाने गांव में बिजली पहुंच गई और कोई अखबार वाला पहुंच जाता है तो पता चलता है कि वहां तो अभी खंभा पहुंचा है मैं गांव वालों से कहता हूं मैं गांव वालों से कहता हूं आप जागरूक रहिए आप देखिए कि आप कोई गलत जानकारी तो नहीं देता है ना अगर आप जागरूक रहे तो मुझे इतनी चिंता नहीं करनी पड़ेगी क्या मेरी चिंता का थोड़ा हिस्सा मेरे गांव के मेरे साथी नहीं उठा सकते क्या मेरे गांव के प्रतिनिधि इस बात को नहीं उठा सकते मैं देश के प्रतिनिधियों से कहता हूं आइए कंधे से कंधा मिला करके जो एक एक सपने देखे हैं उन सपनों को हम पूरा करें भाइयों बहनों गांव में आज भी हमारी गरीब मां लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाती है और आपको जानकर के हैरानी होगी वैज्ञानिकों का कहना है कि एक मां जब घर में लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाती है तो उसके शरीर में 400 सिगरेट जितना धुआं जाता है 400 सिगरेट अगर मेरी माँ के शरीर में 400 सिगरेट का धुआं चला जाए तो उस माँ की तबीयत का हाल क्या होगा उन बच्चों की तबीयत का क्या हाल होगा क्या हम आजादी के इतने सालों के बाद 21वीं सदी में खाना पकाने के कारण हमारी गरीब माताओं को मरने देंगे भाइयों बहनों अब ये नहीं चल सकता हमें उन्हें लकड़ी के चूल्हे से धुएं से 400 सिगरेट के जुल्म से मुक्ति दिलानी पड़ेगी और इसलिए हमने बिड़ा उठाया है आने वाले तीन साल में पांच करोड़ परिवारों में गैस का सिलेंडर देना है आपके गांव में भी होंगे आप स्वयं गांव में देखें कि सरकार ने जो काम उठाया है उसका फायदा पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है सही व्यक्ति को पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है इन गरीबों की मदद करना आप देखिए उनकी जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाएगा गांव के बगल के जंगल बच जाएंगे लकड़ी कटती है जंगल करते हो बच जाएंगे हम पर्यावरण की भी रक्षा करेंगे माताओं के स्वास्थ्य की भी चिंता करेंगे बच्चों के भविष्य की भी चिंता करेंगे और इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हम एक भागीदारी के साथ सहभागिता के साथ कंधे से कंधा मिला करके देश का बड़ा सा बड़ा मुखिया क्यों ना हो गांव के बड़े से बड़े मुखिया से कोई बड़ा नहीं होता है मेरे लिए गांव का मुखिया बहुत बड़ा होता है क्योंकि वो चाहे तो अपने नेतृत्व अपने दिशा दर्शन से गांव के जीवन को बदल सकता है और एक बार हिंदुस्तान के गांव बदलने लग गए तो इस देश को बदलते हुए देर नहीं लगेगी भाइयों बहनों जो सुविधाएं शहर में है वो सुविधाएं गांव को भी मिलनी चाहिए हमने अभी इनाम नाम की योजना शुरू की है यह इनाम योजना किसानों को बहुत बड़ा भला करेगी अभी वो प्रारंभिक अवस्था में है अभी थोड़ी भी होगी सुधार करते करते अच्छाइयों की तरफ जाएंगे भी लेकिन इनाम योजना नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट अब किसान अपने मोबाइल फोन से तय कर सकता है कि उसने अपनी फसल कहां बेचनी है अपनी पैदावार कहां बेचनी है जहां ज्यादा पैसा मिलेगा वहां बेचेगा इसके लिए हमारे में जागरूकता चाहिए इन चीजों का फायदा उठाने के लिए हमारे पास व्यवस्था होनी चाहिए अगर हम उस बातों को करेंगे तो आप देखिए परिणाम आना शुरू हो जाएगा और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों खास करके मेरे गांव के प्यारे भाइयों बहनों हमारी कोशिश है आज शहरों में डिजिटल नेटवर्क है जितना महत्व हाईवेज का है उतना ही महत्व हाईवेज का है इंफॉर्मेशन वे गांव के लोगों को भी वो सारी इंफॉर्मेशन चाहिए और उसलिए ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क गांव गांव पहुंचाना है जो गांव जागरूक होंगे खेतों में से वो पाइप डालने के लिए सुविधा दे देंगे इतनी तेजी से काम होगा कि आपके गांव को भी आधुनिक विश्व से क्या जोड़ने में सुविधा बनेगी गांव स्वयं जागरूकता दिखाए योजनाओं की कमी नहीं है पैसों की कमी नहीं है समय सीमा में काम करने के इरादे में कमी नहीं है आवश्यकता है चारों तरफ सहयोग की आवश्यकता है सक्रियता की आवश्यकता है सही दिशा में मिलकर के चलने की एक बार गांव चल पड़ा तो देश चल पड़ेगा इस विश्वास के साथ आज पंचायत राज दिवस पर दस दिन का महाअभियान पहली बार देश के ढाई लाख गांवों में इतना बड़ा अभियान चला है पूरी सरकार ताकत लग गई इसके साथ एक प्रकार से कार्यक्रम का समापन हो रहा है लेकिन इरादों का आरंभ हो रहा है संकल्प का आरंभ हो रहा है हमने 10 दिन में ग्रामोदय खा का खाका समझ लिया है अब शुरू होता है के आने वाले हमारे कार्यकाल के दरमियान जितने भी वर्ष मुझे मिले हैं अगले चुनाव तक पंचायत के प्रधान के रूप में पंचायत के मेंबर के रूप में एक एक मिनट का उपयोग एक एक पाई का उपयोग एक एक पल का उपयोग मैं मेरे गांव को ग्रामोदय के लिए उत्तम से उत्तम ग्रामोदय की कल्पना करके करूंगा तभी भारतोदय का मेरा सपना पूरा होगा इस काम के लिए मैं फिर एक बार आप सबको निमंत्रण देता हूँ आपका सहयोग चाहता हूँ मैं झारखंड सरकार का भी अभिनंदन देता हूँ रघुवरदास जी का अभिनंदन करता हूं काज उन्होंने बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े उद्योगों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की तो चर्चा सुनी है उद्योगकारों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम के लिए हर सरकार बात करती है लेकिन दास जो है किसानों के लिए जीने मरने वाली सरकार वो कहती है हम किसानों के लिए सिंगल विंडो प्रारंभ करेंगे आज किसानों के लिए सिंगल विंडो योजना का जो प्रारंभ किया है उनकी कल्पकता के लिए उनके इस योजनाबद्ध उपक्रम के लिए मैं रघुवरदास जी को और झारखंड की सरकार को हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं बहुत बहुत उनकी बधाई करता हूं इतना बड़ा कार्यक्रम मैं देख रहा हूं आज 40-45 डिग्री टेम्परेचर है लेकिन जब मैं आया पूरा स्टेडियम चकाचक भरा हुआ था इतना बड़ा उत्साह उमंग इतना बड़ा सफल कार्यक्रम करने के लिए मैं श्रीमान रघुवर दास जी और सरकार को और झारखंड की जनता को हृदयपूर्वक बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं और देश भर में इंटरनेट के माध्यम से टीवी के माध्यम से ग्राम सभा में जो लोग बैठे हैं उन किसान व भाइयों को उन ग्राम सभा के भाइयों को उन ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों को फिर से एक बार आभार व्यक्त करता हूँ अभिनंदन करता हूँ और मैं फिर से एक बार आग्रह करता हूं कि ग्रामोदय का बीड़ा उठा लीजिए ग्रामोदय का संकल्प लेके चल पड़िए आज से हम शुरू करें अब रुकना नहीं है थकना नहीं है अविराम चलते रहना है गांव के सपनों को पूरा करके रहना है महात्मा गांधी की 2019 में डेढ़ सौ साल होंगे उस समय गांधी के सपनों का गांव बना करके रहेंगे ये करके चले। इसी अपेक्षा के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय आपके ओजपूर्ण प्रेरणात्मक आह्वान और वक्तव्य से देश के सभी करोड़ों ग्रामवासी एवं सभी देशवासी अभिभूत हुए बहुत बहुत धन्यवाद और अब मैं माननीय विधायक श्री साधु चरण महतो जी से अनुरोध करती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी को मुखौटा भेंट करें देवियों और सज्जनों विश्व प्रसिद्ध लोक नृत्य छौ पूर्वी मध्य भारत की जनजातीय लोक भौली की संस्कृति विरासत का एक उत्कृष्ट नमूना है छ मुखौटा ओजपूर्ण जनजातीय अस्मिता का अलंकार है यहाँ के लोगों के पराक्रम का प्रतीक है सिंहभूम क्षेत्र और आसपास के समाज के जीवट की जीवंत झलकी है उनकी वीरता का उद्बोधन है यह छ मुखोटा माननीय विधायक श्री साधुचरण महतो जी माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट कर रहे हैं और अब मंच पर विराजमान अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किया जाएगा सबसे पहले मैं निमंत निवेदन करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री झारखंड आदरणीय श्री रघुवर दास जी से कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें देवियों और सज्जनों हृदय से धन्यवाद और हमारी मनोभावनाओं के उद्गार का स्वरूप ये स्मृति चिन्ह माननीय प्रधानमंत्री जी को झारखंड की सरकार की ओर से और अब माननीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री झारखंड आदरणीय श्री नीलकंठ सिंह मुंडा जी से मेरा अनुरोध है कि माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास पंचायती राज पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री आदरणीय श्री बीरेंद्र सिंह जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें पंचायती राज ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से यह भव्य आयोजन देवी और झारखंड की भूमि में आयोजित किया गया और माननीय कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री रणधीर सिंह जी से मेरा अनुरोध है कि केंद्रीय राज्य मंत्री ग्रामीण विकास आदरणीय श्री सुदर्शन भगत जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें माननीय मुख्य सचिव महोदया झारखंड आदरणीय श्रीमती राजबाला वर्मा जी से मेरा अनुरोध है कि केंद्रीय राज्य मंत्री पंचायती राज श्री निहाल चंद जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें आज का यह ऐतिहासिक अभूतपूर्व आयोजन केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय और झारखंड संस्कार के सहयोग से मनाया गया है और अब माननीय श्री निहाल चंद जी केंद्रीय राज्य मंत्री पंचायती राज से मेरा विनम्र आग्रह है कि आज के इस अवसर पर धन्यवाद ज्ञापित करने की कृपा करें मंच पर विराजमान आदनीय प्रधानमंत्री जी माननीय राज्यपाल महोदय आदरणीय चौधरी वीरेंद्र सिंह जी झारखंड के मुख्यमंत्री आदरणीय रघुवर दास जी लोकसभा में हमारे सहयोगी आदरणीय सुदर्शन भगत जी श्रीमान नीलकंठ सिंह जी श्री सरयू सरयू राय जी आदरणीय रणधीर सिंह जी यहाँ के सांसद महोदय श्रीमान महतो साहब आदरणीय लक्ष्मण जी मुझे आज के इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देने में अपार खुशी हो रही है कि आज का दिन हम सब के लिए एक ऐतिहासिक दिन है चौबीस अप्रैल का दिन हिंदुस्तान के इतिहास में और झारखंड की धरती पे स्वरण में हमेशा हमेशा के लिए लिखा जाएगा हिंदुस्तान के अड़सठ साल के इतिहास में पहली बार दिल्ली से बाहर एक इतना बड़ा पंचायती राज सम्मेलन हो रहा है मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जिन्होंने एक साल पहले गांव मज़बूत तो देश मज़बूत ये आह्वान हम सब को किया था उन्होंने कहा था कि ग्राम विकास योजना का एक प्लान बनाना चाहिए और मैं आप सबके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि इस देश के सत्ताईस राज्य जिन्होंने ग्राम विकास प्लान की तैयारी की है और ग्राम विकास प्लान पर चल रहे हैं मैं दूसरा धन्यवाद और देना चाहूँगा कि फोर्टीन फाइनेंस कमीशन में एक इतनी बड़ी राशि देश के प्रधानमंत्री जी ने सीधे ग्राम पंचायतों को देने का आह्वान किया है एक एक ग्राम पंचायत को सीधा इतना बड़ा पैसा देना एक बहुत बड़ी बात है गांव के विकास में साफ और हम सब मिलके इस देश की एक एक पंचायत एक एक जनप्रतिनिधि मिलके दो लाख अट्ठावन हजार जनप्रतिनिधि सब लोग मिलके गांव में विकास की योजनाओं योजनाओं में हम लोग शामिल होंगे और विकास की योजनाओं को बनाएंगे मैं इस अवसर पर श्रीमान प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि जिन्होंने ग्रामोद्योग से भारत उद्योग भारत उद्योग के विजन सभी देश के वासियों के सामने रखा है मैं एक बार फिर आप सबका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मैं झारखंड सरकार को और यहाँ के सभी प्रशासन को और देश के दो लाख उनचालीस हजार के ग्राम पंचायतों के सभी जनप्रतिनिधियों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी का ग्रामीण विकास का विजन आपने सुना है आपने देखा है और इस विजन को और ज्यादा आगे बढ़ा के हम प्रधानमंत्री जी का सहयोग करेंगे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश के विकास की योजना में और ज्यादा हम निखर के आगे आएंगे मैं यही निवेदन करने के लिए आया हूँ बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद बहुत बहुत धन्यवाद देवी और बहुत सारा आशीर्वाद और बहुत सी देकर प्रधानमंत्री का यहाँ पर धन्यवाद ज्ञापन हो गया प्रधानमंत्री स्टेडियम से बाहर निकलते हुए प्रधानमंत्री का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हो चुका है ग्राम उदय से भारत उदय अभियान का जो ये 11 दिवसीय कार्यक्रम था उसका आज पंचायती राज दिवस के मौके पर समापन हुआ है प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल हुए यहाँ पर उन्होंने जो संबोधन दिया उसका सारे देश के पूरी ग्राम सभा में उसका प्रसारण किया गया ग्राम सभा में मौजूद पंचायत प्रतिनिधि और दूसरे सदस्य